हेलो माय डियर चिया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं आपका आशु भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी ए टू पर। तो बच्चों, हमने बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछला दो लेक्चर देख लिया है और दोनों लेक्चरों में हमने क्रमशः क्या किया था, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन किए थे और दूसरे में हमने किसके बारे में अध्ययन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिर से आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, असल में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पे है, चाहे आप कॉलेज पढ़े, चाहे 11वीं 12वीं कोई भी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, और चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक क्या क्या चीज़ है उसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग कल पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस देख रहे थे। थोड़ा सा देखो, कल एक मिनट, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों आगे बढ़ते हैं भाई? ठीक है, देखो तभी तो जानोगे भाई, ध्यान से समझना। इसको इस तरीके से जमा गया है पीरियोडिक टेबल में कि ये जो तत्व है, इसके नीचे आने वाला जो तत्व है, इन दोनों का जो गुणधर्म है वो क्या दिखा है, आपस में अधिक से अधिक समानता दिखा है। क्या दिखा है? आपस में अधिक से अधिक समानता दिखा है। मतलब ध्यान से समझना, आवर्तिता किसे कहते हैं? एक टॉपिक होता है आवर्तिता, पीरियोडिक सिटी बोलते हैं जिसको हम लोग, आवर्तिता। क्या बोलते हैं? आवर्तिता, कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणधर्मों की क्या होना, पुनरावृत्ति होना। कि जैसे कि ध्यान से समझना, एक पेंडुलम रहता है, ध्यान से देना, ये इधर से यहाँ तक गति किया, कुछ निश्चित समय बाद फिर यहीं आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर कुछ निश्चित समय बाद फिर यहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये इस स्थिति को फिर से क्या करता है, दोहराता है। वैसे ही क्या बोल रहा हूँ कि मान लो तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग जमाएं, तो ध्यान देना, तत्व को जब जमाने के पश्चात कुछ समय पश्चात फिर से कोई तत्व आएगा जो इसके नीचे आएगा, तो ये तत्व और ये तत्व आपस में गुणधर्मों में क्या दिखाएंगे, समानता प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? समानता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आवर्तिता। क्या बोलते हैं? आवर्तिता। और आवर्तिता का अध्ययन हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। एक तो बाएं से दाएं जाऊंगा तो क्या स्थिति रहेगा, और एक ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या स्थिति रहेगा। जब बाएं से दाएं का बात कर रहा हूं तो ये है आवर्त में प्रभाव। क्या बोल रहा हूं मैं? आवर्त में प्रभाव। और जब मैं ऊपर से नीचे का कहानी बोलूं तो वो किसका प्रभाव है, तुम्हारा वर्ग में प्रभाव। क्या है? वर्ग में प्रभाव। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अगला टॉपिक, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या, परमाणु त्रिज्या। अच्छा, परमाणु त्रिज्या को जानने से पहले ध्यान समझना, कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कि बोर का मॉडल चल रहा था, ध्यान देना, बोर के मॉडल के अनुसार क्या था कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर उपस्थित है हमारा क्या, ऐसा कोश। ठीक है, एक मिनट ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन क्या है, निश्चित ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, तो ये हमारा नाभिक है और ये सबसे बाह्यतम कोश है। मान लो हमारा पोटेशियम है, ठीक है, तत्व कौन सा है, पोटेशियम, परमाणु क्रमांक 19 2 8 8 1, ऐसा वाला कहानी है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर आठ इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर आठ इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो सबसे जो बाह्यतम कोश है ना, ठीक है, सबसे बाह्यतम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये जो हमारा सबसे बाह्यतम कोश है इसको हम लोग बोलेंगे संयोजी कोश। क्या बोलेंगे? संयोजी कोश। और इस संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो यहाँ पास वो अपना अष्टक पूरा करेगा, कैसे करेगा, यदि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो 2 8 8 हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितना होगा, 1। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यदि निकालेंगे तो भी वो कितना आएगा, 1। लेकिन मान लो क्लोरीन का केस देखो, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 2 8 7, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। लेकिन इसकी संयोजकता, वो अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अपना अष्टक पूरा कर सकता है। मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो होगा कितना, 7, लेकिन संयोजकता बोलूँ तो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता अलग अलग चीज़ है। और संयोजी कोश क्या है कि सबसे बाह्यतम कोश जो रहता है कोई भी परमाणु में, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, संयोजी कोश। और संयोजी कोश के जस्ट पहले उपस्थित ये जो कोश है उसको हम लोग बोलते हैं उपांत्य कोश, उपांत्य कोश। और उपांत्य कोश है उसके जस्ट पहले वाले कोश को बोलते हैं अंत्य उपांत्य कोश, अंत्य उपांत्य कोश। अच्छा, इन सभी ऑर्बिटल जो सबसे अंदर में, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोल सकते हैं,
इनर मोस्ट ऑर्बिट, क्या बोल सकते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो नॉर्मल सा चीज़ ये जानो। अब परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ, परमाणु त्रिज्या क्या है, कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक से लेकर के उसके बाह्यतम कोष तक की जो दूरी है, बाह्यतम कोष तक की जो दूरी है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु की त्रिज्या। और इसी को ही हम लोग परमाणु के आकार के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का आकार जितना बड़ा परमाणु का आकार उतना बड़ा, त्रिज्या का आकार जितना छोटा परमाणु का आकार उतना ही छोटा। अब ये परमाणु की त्रिज्या का भी अलग अलग प्रकार है, ग्यारहवीं में अध्ययन करे होगे, बेसिक फर्स्ट ईयर में भी अध्ययन करोगे, ठीक है, कि हाँ क्या होता है सहसंयोजी त्रिज्या, क्या होता है वैन डर वाल त्रिज्या, क्या होता है धात्विक त्रिज्या, ठीक है, क्या होता है आयनिक त्रिज्या, चार प्रकार से त्रिज्या के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन हमको उतना ज़्यादा नहीं जानना, हमको तो अभी बेसिक जानना है, जो हमको जानना जरूरी है। अब मैं बात कर रहा था किसका, आवर्तिता का, कि मैं बाएं से दाएं जाऊंगा तो क्या होगा और ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या होगा, आवर्तिता इसी को ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्तिता तो देखूंगा मैं परमाणु के आकार के लिए, और परमाणु का आकार जो रहता है मुख्यतः दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। कितने चीज़ों के ऊपर, दो चीज़ के ऊपर, ठीक है। आकार कितने फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, दो चीज़ के ऊपर। सबसे पहला जो रहता है वो होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और दूसरा फैक्टर होता है आपका परिरक्षण प्रभाव, क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, ये सिर्फ ये दो चीज़ हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्या निर्भर है, तुम्हारा परमाणु का त्रिज्या या परमाणु का आकार मुख्य रूप से। जैसे कि ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश का, प्रभावी नाभिकीय आवेश का, ठीक है ना, जेड इफेक्ट से शो करते हैं, जेड इफेक्ट। अच्छा, इसमें और ज़्यादा डील है ना, ठीक है, स्लेटर वगैरह का नियम वगैरह लगता है, लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा भी जानना नहीं है। सीधा इतना याद रखना कि प्रोटॉन की संख्या जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा, नाभिकीय आवेश तो वही है ना, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जितना ज़्यादा उसका जेड इफेक्ट का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और यदि जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा तो वो आकार क्या होता है, उतना ही ज़्यादा छोटा, आकार उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा। ज़्यादा झंझट का बात नहीं है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ध्यान से समझना। बोरान परमाणु क्रमांक 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। 5 है तो कैसे होगा 2 और 3, इसका कैसे होगा 2 और 4, इसका कैसे होगा 2 और 5, इसका कैसे होगा 2 और 6। यहाँ पास देखो कोश की संख्या नियत है ना, के और एल कोश है, के और एल कोश है, के और एल कोश है, ऐसा वाला कहानी है पूरा का पूरा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना, देखो के और एल कोश है, यानी कोशों की संख्या तो यहाँ पास क्या है, स्थिर है, कोशों की संख्या क्या है, स्थिर है। बट एक चीज़ देखो, ठीक है ना, क्या देखना है कि प्रोटॉन का संख्या जो है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान दो कि बोरान है मान लो, ठीक है, तो ये ऐसा दो ठोक है, इसके लिए भी क्या है, ऐसा दो ठोक कहानी है, इसके लिए भी कितना है, दो ठोक कहानी है, इसके लिए भी कितना है, दो ठोक कहानी है, ऐसा है। यहाँ पास कितना है, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पास दो, यहाँ पास 1 2 3, यहाँ पास 2 1 2 3 4, यहाँ पास 2 1 2 3 4 5, यहाँ पास 2 1 2 3 4 5 6, ऐसा कहानी है। लेकिन जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पास देखो एक ही जगह में तुम्हारा कौन बढ़ रहा है, प्रोटॉन, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। यहाँ पास कितना प्रोटॉन हो गया, 5, यहाँ पास कितना हो गया, 6, यहाँ पास कितना हो गया, 7, यहाँ पास कितना हो गया, 8। तो नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, तो बाहर में उपस्थित जो, बाहर में उपस्थित जो कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। और जितना ज़्यादा प्रोटॉन होते जाएगा तो इसका आकर्षण बल का मान और क्या होते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब जब हम लोग किधर आएंगे, बाएं से दाएं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो जो परमाणु का आकार इतना बड़ा है वो धीरे से क्या होगा, इतना छोटा होगा, क्योंकि इसको ये खींच रहे हैं ना भाई, इसको ये क्या कर रहा है, अपनी ओर ऐसे खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया है, बढ़ गया, कोशों की संख्या तो स्थिर है, कोशों की संख्या क्या है, स्थिर है, तो धीरे धीरे आकार क्या होते जाएगा, छोटा। तो आप लोग क्या समझें कि जब वर्ग में कहाँ जाते हैं, सॉरी वर्ग बोलता हूँ जी, आवर्त में कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो जेड इफेक्ट का मान क्रमशः क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का मान क्या होता जाता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ आया कि नहीं, दो चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला चीज़ है आपका क्या, नाभिकीय आवेश। अच्छा, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, तो ये वाला कहानी हमको बीएससी में करना है, अभी नहीं करना है, पहले तो नॉर्मल बेसिक चीज़ समझो,
ठीक है, फिर स्लेटर का नियम लगेगा, फिर सिग्मा का मान अलग अलग आते हैं। तो ना अभी नहीं जानना है ना भैया, पहले बेसिक जानो, फिर धीरे से आगे बढ़ जाएंगे, उसको भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ऐसा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पहला छोटा सा चीज़ तो जानो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया पहला कहानी, ठीक है, जिसके कारण परमाणु का साइज क्या हो रहा है, छोटा। दूसरा देखो परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बहुत बड़ा बल है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, देखो जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसा नीचे आ रहा हूँ, परमाणु क्रमांक 3, यहाँ पास कितना है 11, यहाँ पास कितना है 19, कैसे होगा 2 और 1, 2, 8 और 1, ये 2, 8, 8 और 1, मतलब कहानी कैसे चल रहा है कि ये है तुम्हारा नाभिक, तो 1 और ये 2, इस वाले में 1, 2 और ये 3, और इस वाले में 1, 2, 3 और ये 4, क्लियर है ना, ऐसा कहानी है। और ध्यान से समझते जाना, यहाँ पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास कितना 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और यहाँ पास लास्ट में कितना 1, यहाँ पास भी क्या होगा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास जैसे ये बढ़ रहा है, ध्यान से समझना ना, तो 3 प्रोटॉन भी बढ़ेगा, 11 यहाँ प्रोटॉन बढ़ेगा और यहाँ 19 प्रोटॉन बढ़ेगा, क्लियर है ना। लेकिन एक चीज़ तुम लोग क्या देख रहे होगे, ध्यान से समझना, कोषों की संख्या तो स्थिर नहीं है, कोषों की संख्या स्थिर नहीं है, कोषों की संख्या स्थिर यहाँ पास नहीं है, स्थिर नहीं है तो क्या दिक्कत है, ध्यान दो, नाभिकीय आवेश का भी मान बढ़ रहा है, लेकिन नाभिकीय आवेश से भी ज़्यादा प्रभावी होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ध्यान से समझना, कि ये जो नाभिक है, ठीक है, वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना चाहेगा, आकर्षित करना चाहेगा, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना चाहेगा, वो आकर्षित करना चाहेगा, लेकिन नाभिक से जो दूरी है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा, ठीक है, नाभिक से दूरी क्या हो जाता है, ज़्यादा, ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है, उसको नाभिक क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन नाभिक से जो दूरी है बाह्यतम कोष की, वो दूरी थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा, और साथ ही साथ ये जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है ना, उसको इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, इधर से प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, मतलब एक तो कर रहा है आकर्षित लेकिन दूरी ज़्यादा है, और दूसरा क्या कर रहा है, अंदर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इसको प्रतिकर्षित, क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में, ध्यान से समझना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चूंकि नाभिक से दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल का मान कम पड़ता है, तथा इसी वक्त इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कोष के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो परमाणु का आकार घटे रहता वो और क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब ऊपर से मैं नीचे आऊँगा, ऊपर से मैं कहाँ आऊँगा, नीचे आऊँगा, तो परमाणु का आकार क्रमशः क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, चूँकि इस नाभिक के प्रभाव से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का रक्षण कर रहा है कौन, इनर मोस्ट ऑर्बिट। इस नाभिक के प्रभाव से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण कर रहा है कौन, इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा इसी समय इसमें इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है, चूंकि प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक, इस कारण परमाणु का आकार घटने की अपेक्षा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जब तुम वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार परिरक्षण प्रभाव के कारण क्रमशः क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्लियर है ना। अब परिरक्षण प्रभाव का क्रम याद रखना, सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव करता है S, उसके बाद P, उसके बाद D, और उसके बाद सबसे दुर्बल होता है कौन, F। मतलब F कक्षक रहेगा मान लो, तो वो मान लो इधर इलेक्ट्रॉन को धक्का दूंगा, बोलेगा कि तू मत अंदर, तू नाभिक की ओर आकर्षित मत हो, तो वो उतना ज्यादा धक्का दे नहीं पाएगा। सबसे प्रबलतम के साथ परिरक्षण प्रभाव कौन सा करेगा, S, ठीक है ना। इस F कक्षक के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन देखा जाता है, डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन क्या है करके। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इतना तो पता चल गया होगा, क्या इतना पता चल गया होगा, कि साइज जो है 2 फैक्टर के ऊपर निर्भर है। जेड इफेक्ट का मान, मान लो कभी भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ तो साइज का मान होगा कम, और परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा तो साइज का मान भी क्या होगा, ज़्यादा।
क्लियर है? तो इतना तो क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, तो आगे का क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।